friends, today we have come with some legal updates. So first update is, like there has been going on a discussion regarding the work theft. तो क्या discussion चल रहा है इसके बारे में, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Discussion ये चल रहा है कि work act के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए. उसका रीजन क्या है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए वक्फ एक्ट के अंदर, और साथ साथ क्या हो, साथ साथ जो वुमेन का उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो भी रहे, और साथ साथ क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी रहे वक्फ एक्ट के अंदर. ठीक है, सेकंड जो हमारा एक लीगल अपडेट है वो ये है कि महाराष्ट्र ने अप्रूव किया है प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विसेज बिल. ये जो बिल है वो अप्रूव कर दिया गया है, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन passed in the monsoon session, but the discussion is going on this topic. Right, number third we are talking about that parliament introduces the bill for oil and gas policy stability. Right, iska bill ka aim hai to stabilizes policies, facilitate international arbitration and extend lease duration to address long standing concerns. Right, तो आप लास्ट डिसाइड करेंगे आज के प्रेजेंट अपडेट के अंदर, लीगल अपडेट के अंदर, दैट इज गोवा असेंबली इंट्रोड्यूस फॉर शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन. गोवा असेंबली के अंदर शेड्यूल ट्राइब का जो है रिजर्वेशन कर दिया गया है, पहले रिजर्वेशन जो कि अवेलेबल नहीं था, और इस बिल को कहा गया है, दिस बिल इज कॉल्ड द रीएडजस्टमेंट. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर इनफ विद द सम लीगल अपडेट्स, लेट्स मीट टुमारो विद अनदर लीगल अपडेट. थैंक यू.